टेक इट अदरवाइज अनेबल टू सी। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? तो मोबाइल से आ जा यार, आज मोबाइल से आ जा आज। ऑल ओके है, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर देख। चल, इंटरेस्ट रेट रिस्क ध्यान देते हैं। टॉपिक का नाम हेडिंग डालेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। जल्दी से, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत और जय ICAI एंड उसके स्टूडेंट्स की। चलो ध्यान दो। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली ये है कि कल को ना। ओके सर, यस सर। तो चलो आ जाओ, इंटरेस्ट रेट रिस्क ये टॉपिक बोलता है कि बैंक्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए या NBFCs हो गए। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क में बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या फिर क्या बोलेंगे, कोई भी किसी भी टाइप का से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जो मनी लेंडिंग या रिसीविंग का काम करता है। अगर ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उन लोगों की कौन सी रिस्क है? इंटरेस्ट रेट रिस्क है। ऑब्वियस सी बात है कि मनी अगर आपने लेंड किया है, मान लीजिए आपने मनी दे रखा है और आपने मनी डिपॉजिट लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होगा और जो इकाई पर लेंडिंग अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उन दोनों को क्या करना होगा, मैच करना होगा ना। मैंने मान लीजिए लोगों से FD ले रखी है 1 लाख करोड़ की। 1 लाख करोड़ की क्या ले रखी है? FDs ले रखी है, बराबर। तो मैंने बोरो कर रखा है, लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है बैंक में 1 लाख करोड़ रुपया। अब ये जो 1 लाख करोड़ है भाई, ये मैं बैंक में रखा रखा तो वो सड़ जाएगा, तो इसको अपन क्या करेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, हम क्या लोन देंगे। तो भाई जिस दिन का लोन पे रिसीट आने वाली है, मतलब EMIs आएंगी, इंटरेस्ट आएंगे, तो जिस दिन मुझे क्या आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है, तो वो कैसे मैच करना चाहिए मेरा इंटरेस्ट पेएबल से। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट पेबल्स क्या करने पड़ेंगे? मैच करने होंगे। इन दोनों को क्या करना होगा? मैच करना होगा। और अगर ये मैच नहीं होते हैं तो देन देर इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। रिसीवेबल का एक डेट है, कोई तो एक डेट है, रिसीवेबल का क्या है, कोई तो एक डेट पर रिसीव होने वाला है, डेट पर। और पेबल का भी क्या है, एक मैच्योरिटी डेट है, तो इस डेट पे अपने को पे करना पड़ने वाला है। तो ये दोनों क्या करने चाहिए, आपस में मैच करने चाहिए, ताकि आप क्या कर पाए से अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी लाइबिलिटीज को। ये मेरी इंटरेस्ट पे लाइबिलिटी है और ये मेरी क्या है, एसेट है। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्या कर पाए, हम लोग मैच कर पाए। तो अगर मुझे कभी भी इंटरेस्ट पे करना है, अब मार्केट में प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, वोलेटाइल है। इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। ये क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, तो ये फिर मेरे लिए क्या बन जाते हैं, रिस्की बन जाते हैं। और फिर मुझे अपनी रिस्क को क्या करने की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को रिस्क को, अपनी रिस्क को हेज करने की, हेज रिस्क, रिस्क को हेज करने की जरूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आई क्या कि बेसिकली इंटरेस्ट रिस्क टॉपिक अपन पढ़ क्यों रहे हैं? ये बात समझ आई क्या कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्यों पढ़ रहे हैं? हेलो एवरीवन, यस सर। पूर्वी को तो समझ गया, CA पूर्वी, CA शाइन को भी समझ गया, CA नरेंद्र को भी समझ गया, बाकी लोग भी बता देंगे। ठीक, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली इंटरेस्ट पेबल है आपको किसी एक डेट। बैंक का एग्जाम्पल लेंगे,
बैंक्स बोल लो, एनबीएफसी बोल लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोल लो, एवरी बडी हैज टू पे कुछ तो एक इंटरेस्ट। तो अगर अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कई सारे कंपनीज में ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी एंड कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रिस्क ऑफ लेंडिंग मनी। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो इट इज कंपनसेशन फॉर से बोरो एंड लेंड किया है मनी। इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होते रहते हैं? चेंज होते, जो कि हमने लिख ही रखा है। अलग अलग इंटरेस्ट रेट क्या होते रहते हैं? चेंज ही होते रहते हैं। मनी टेक्स अ रिस्क बिकॉज द बोरोअर मे नॉट, ऑब्वियस बात है ये रिस्की है, बोरोअर मे नॉट पे बैक द लोन, दस इंटरेस्ट प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर बेयरिंग रिस्क। आप जानते हैं कपल्ड विथ इन्फ्लेशन, जब इंटरेस्ट बोलते हैं तो उसमें क्या, एक तो रिस्क है नॉट पेइंग की, दूसरा है इन्फ्लेशन का फैक्टर है कि परचेसिंग पावर आपका क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा, परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और इसके अलावा ऐसा बोल सकते हैं कि आप क्या, तीसरा कि जनरली इंटरेस्ट रेट काय पर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पर, इन्फ्लेशन पर, और गवर्नमेंट ही बिगेस्ट बोरोवर है। नाउ इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करते हैं? इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करते हैं? इंटरेस्ट क्या रेट, हाउ टू डिसाइड इंटरेस्ट रेट, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे दूसरा कंसेप्ट, बेंचमार्किंग। क्या चीज? बेंचमार्किंग। एक्चुअली बेंचमार्किंग इज रेट जो इंटर बैंक ऑफर रेट जिसको बोलेंगे, ये शुरू वहां से हुआ कि भाई अपन इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करें कि कस्टमर को क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। तो हर बैंक किसी न बैंक अलग बैंक से क्या कर रही है, बोरो कर रही है। अपन ऐसा एक बात कर देता हूं, इसको बोलता हूं प्रिंसिपल बैंक। प्रिंसिपल बैंक जैसे कि अपने यहाँ आरबीआई, जैसे कि आरबीआई बराबर, और ये बैंक लेंड करता है किसको से, अदर बैंक्स को, अदर बैंक्स को, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी एंड सो ऑन बराबर। और फिर ये बैंक्स किसको लेंड करते हैं, ये बैंक लेंड करते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर वन कस्टमर टू बराबर, जो कष्ट से मरा जा रहा है उसको क्या करते हैं, लेंड करते हैं बराबर। कैसे डिसाइड हो कि भाई आपका क्या रेंट आएगा, क्या का आपको क्या रेंट रहेगा, सॉरी इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये कैसे डिसाइड हो? तो ये जो प्रिंसिपल बैंक रेट, इसको बोलते हैं इंटर बैंक ऑफर रेट, इंटर बैंक ऑफर रेट। तो इंटर बैंक ऑफर रेट की बात हम शुरुआत में डिसाइड करते थे लाइबोर, लाइबोर दैट इज लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ये अपना बेंचमार्किंग रेट। मतलब शुरुआत में ऐसा हुआ कि पहले सारे के सारे क्या लाइबोर पर डिपेंडेंट थे कि लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। आप जानते हैं अंग्रेजों ने आधी धरती पर और करीब करीब 90% लोगों की मेंटेलिटी पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो जो इंटर बैंक ऑफर रेट रहता था, बैंक बैंक को क्या रेट पर लोन देगा, तो उसको अपन बोलेंगे लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ये आपका बेंचमार्क रेट रहता था। शुरुआत में लाइबोर ही यूज किया जाता था वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड क्या यूज करते थे, लाइबोर बेंचमार्क था कि वो क्या रेट पर ऑफर दे रहे हैं, सेम रेट पर बाकी लोग भी क्या देंगे, ऑफर देंगे। लेकिन कुछ 1999 के आसपास रिसेंटली क्या होने लगा से, ये लाइबोर में कुछ गड़बड़ होने लगी और जो लाइबोर रेट है शायद, हाँ जी, फाइनेंशियल मार्केट वॉज लाइबोर, जैसे कि इंटर बैंक ऑफर रेट यहाँ पर अपन यूज करते थे, लेकिन सॉरी 1999 नहीं, 2012 के आसपास, 2012 के आसपास कुछ गड़बड़े देखी गई, काहे पे लाइबोर में मैनिपुलेशन होने लगा, तो वहीं बैंकर्स मैनिपुलेशन करने लगे, इसीलिए एक अल्टरनेट रेफरेंस रेट आया। तो बाद में अपन क्या यूज करने लगे, अब आजकल अल्टरनेट अल्टरनेट रेफरेंस रेट यूज करते हैं। ना अल्टरनेट रेफरेंस रेट यूज करते हैं तो एआरआर यूज करने लगे,
अब एआरआर ऐसा बोल सकते हैं, ये ज्यादा, ये दोनों को कंसिडर, लाइबोर सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए कंसिडर किया जाता था, लेकिन ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट जिसको अपन एआरआर बोल रहे हैं, ये काय के लिए सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड दोनों के ट्रांजैक्शन के लिए अब ये रेट यूज करते हैं। इसके अलावा ऐसा बोला जा सकता है ये करीब रिस्क फ्री रेट के आसपास है। ये अल्टरनेट रेफरेंस रेट इज नथिंग बट रिस्क फ्री रेट के आसपास ही आता है। ये ओवरनाइट पिछले 15 दिन की पोजीशन को ध्यान में रखकर क्या निकाला जाता है, अल्टरनेट रेफरेंस रेट निकाला जाता है। तो यहाँ ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस को कंसिडर किया जाता है। लाइबोर में ऐसा नहीं था, लाइबोर में ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस कंसिडर नहीं होते थे। एक बार रेट डिसाइड हो गया तो वो 3 महीना 6 महीना चल रहा है, बट यहाँ ओवरनाइट रेट्स बदलते रहते हैं। एआरआर अगर देखें तो कई सारे तरीके के एआरआर अलग अलग जगह बोलने लग गए। अल्टरनेट रेफरेंस रेट एक यॉनर ऑफ इंटरेस्ट रेट है, मतलब ये कोई एक फिक्स रेट नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग बोलने लग गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए में बोला जाता है से सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, SOFR, दिस इज नथिंग बट डिफरेंट एआरआर है, ये अलग अलग एआरआर है। तो यूएसए में जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट बोल रहे हैं। यूके में सेम स्टेट स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज बोलते हैं। खैर अपने को सोनिया, यूके से सोनिया जी आई थी तो सोनिया क्या बोलते हैं। हाँ जी आप जान यूके से क्या बोलिए, इटली से बोलिए, ठीक है यूरोप से चले। यूरोप में यूरोप शॉर्ट टर्म रेट ईस्टर, ईस्टर टोक्यो में टोनर, टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, एंड स्विट्जरलैंड में सेरन, दैट इज स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट। अपने को ये सब याद नहीं रखना, हमारे काम का ये सब नहीं, अपने काम का है माइबोर या माइबिड। तो अपने यहाँ के दो अपन रेट यूज कर रहे हैं अपने लिए, इन इंडिया हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, दो रेट, एक माइबोर दैट इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, या फिर मार्जिनल माई बिड, दूसरे को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल या मुंबई इंटरबैंक बिड रेट, मुंबई इंटरबैंक बिड रेट, और एक है जिसको हम बोलते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। तो अपने लिए रेफरेंस रेट, लेंडिंग रेट, अपने लिए बेंचमार्क रेट या रेफरेंस रेट क्या हो गए, इंडियंस के लिए माइबोर, माइबिड या MCLR, ये अपने लिए यूज करने वाले रेट्स हैं। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग से माइबोर, माइबिड या MCLR यूज करेंगे। बात समझ में आई क्या, बेंचमार्किंग समझ में आई क्या, हाँ या ना, बेंचमार्किंग समझ में आ गई क्या, कि बेंचमार्किंग मतलब जिस रेट पर प्रिंसिपल बैंक अदर बैंक को मनी लेंड करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 6% पे देंगे तो फिर आप इसमें स्वैप जोड़ करके, कुछ पॉइंट्स जोड़ करके आप कस्टमर को लेंड करेंगे कि भाई मेरे को 6% ब्याज पर अगर इंटरेस्ट पर आ रहा है, 6% पर मेरे को क्या, मैंने पैसा लिया है प्रिंसिपल बैंक से, तो मैं कस्टमर से यहाँ पर 7%, 8%, 9% ऐसा कुछ 1% लूंगा, ताकि भैया जो डिफरेंस है वो मेरा क्या रहेगा, दैट वुड बी द अर्निंग ऑफ बैंक, दैट वुड बी द अर्निंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट वुड बी अर्निंग ऑफ NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 7%, 8%, 9%, 10% पे तो फिर डिफरेंसेस मेरा क्या चीज बोलेंगे, दैट इज द अर्निंग ऑफ बैंक, जिसके भरोसे बैंक चलेगा। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर से वापस आते हैं टॉपिक पे, अगला चीज इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्या क्या रिस्क है भाई इंटरेस्ट रेट, जैसे देखा जाए तो कई सारे टाइप का इंटरेस्ट रेट रिस्क है।
इंटरेस्ट रेट में पहला प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं गैप एक्सपोजर। गैप एक्सपोजर, गैप एक्सपोजर का मतलब ये है कि भाई मुझे क्या आने वाला है, कुछ ना कुछ एक अमाउंट पैसा आने वाला है और कुछ अमाउंट क्या लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। इनको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज। तो इनका जो गैप है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट्स, दूसरी भाषा में आप बोलो रिसीवेबल, रिसीवेबल्स। अपने को क्या क्या कहाँ कहाँ से पैसा मिलने वाला है। लेस इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज, मतलब ही जिसको अपन पेबल्स बोलेंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे पेबल। तो ये दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं गैप। दिस इज गैप कि मेरे को पैसा कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट आने वाला है और मेरे को किस किस लाइबिलिटी के लिए इंटरेस्ट पे करना है। इन दोनों के बीच का गैप इज माई एक्सपोजर, जिसको अपन नेट इंटरेस्ट इनकम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं गैप, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, इनकम भी बोलते हैं NII। तो पहला तो चक्कर ये है कि मेरे को कौन कौन सी डेट्स में रिसीव होने वाला है, कौन कौन सी डेट में पे करना पड़ने वाला है और कितना रिसीव होने वाला है, कितना पे करने वाला है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो गैप है वो मेरा रिस्क है, सीधी सी बात है। अगर बैंक में मान लीजिए अपने को 50 करोड़ आने वाले हैं और 40 करोड़ देने पड़ रहे हैं, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 करोड़ का पॉजिटिव बैलेंस ही है। लेकिन कई बार ये क्या हो सकता है, गैप, गैप या तो पॉजिटिव भी हो सकती है या क्या भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो बेसिकली तो नेगेटिव अगर है कि मेरे को पैसे आने वाले हैं 40 करोड़ और पे करना है 50 करोड़, तो नेगेटिव गैप है, तब तो मेरे को उस गैप को, वो रिस्क को क्या करने की जरूरत है, हेज करने की जरूरत है कि वो 40, वो जो 10 करोड़ का गैप है वो कहाँ से लेकर आएंगे। तो वो अपने को क्या करने की जरूरत पड़ेगी, हेज करने की। बात समझ आई क्या गैप मतलब, हाँ या ना? यस सर। तो यहां पर गैप एनालिसिस में अपन एक कैलकुलेट चीज करने, EAR, ईयर, दैट इज अर्निंग, इसको बोलेंगे अर्निंग एट रिस्क। अपन कितनी अर्निंग कर रहे हैं ये कैसे निकालते हैं। तो जो भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव गैप है, पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव गैप, नेगेटिव गैप मल्टीप्लाइड बाय अज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट, अज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट, चेंज्ड चेंज या चेंज इन अज्यूम इंटरेस्ट रेट। तो EAR अर्निंग एट रिस्क अगर निकालना है किसी प्रॉब्लम में, तो पॉजिटिव या नेगेटिव गैप जो भी रहा आपका, मल्टीप्लाइड बाय अज्यूम इंटरेस्ट रेट चेंज, तो अपना क्या निकल आएगा, EAR। इसको बोलते हैं अपन क्या चीज, गैप एनालिसिस। तो गैप एनालिसिस कैलकुलेट करना होगा, क्यों कैलकुलेट करते हैं जरा चंद बातें गैप में, इतना तो आपने लिख दिया, थोड़ी सी मैं थ्योरी से रिलेट कर देता हूँ इंटरेस्ट रेट रिस्क को। ये लिख दिया क्या सब लोगों ने, हैव यू ऑल रिटन दिस, हैव यू ऑल रिटन दिस, यस सर यस सर। तो अगर ये लिख दिया है जरा ध्यान से यहाँ पढ़ लो कि टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क कौन कौन सा, गैप एक्सपोजर, तो इट इज मिसमैच अराइजेस ड्यू टू होल्डिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज, तो इट इज डिफरेंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, बराबर। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट, तो रेट सेंसिटिव एसेट देन इंटरेस्ट रेट लाइबिलिटीज, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव कब रहेगा, एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, नेगेटिव कब रहेगा, जब एसेट कम है लाइबिलिटीज ज्यादा है। तो कॉन्वर्सली नेगेटिव लाइबिलिटी implies that NII could increase as a result decrease in market interest rate. तो basically negative indicates that RSL ज्यादा है, RSA क्या है कम है, rate sensitive liabilities ज्यादा है, RSAs क्या है कम है। EAR कैसे निकालेंगे, तो earning at risk,
पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय अज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट चेंज। तो हमने यहाँ निकाल लिया EAR, अर्निंग इंटरेस्ट रेट। तो द बैंक शुड फिक्स EAR विच कुड बी बेस्ड ऑन लास्ट ईयर करंट ईयर इनकम ट्रिगर पॉइंट्स। तो बैंक ने एक EAR सेट करना चाहिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय अज्यूम इंटरेस्ट चेंज। तो जो भी एक EAR सेट करेंगे वो पिछले साल के डेटा पे बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक बात है। आगे बोल रहा है कि ऑल्दो द गैप रिपोर्ट इज वेरी यूजफुल फॉर एनालाइजिंग रिस्क बट इट ऑल्सो सफर्स फॉलोइंग लिमिटेशन। तो गैप के चंद प्रॉब्लम्स है, क्या क्या? एक तो यही क्वांटिफाई करना कि हमारी कौन सी द ओनली, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोज का ही क्या होगा, रिसीवेबल पेएबल रोज चेंज होंगे। तो अगर रोज चेंज होंगे तो रोज की एसेट निकालना, रोज की लाइबिलिटी निकालना, डिफरेंट टाइम टाइम डिफरेंसेस बिटवीन रीप्राइसिंग ऑफ डेट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, गैप रिपोर्ट ऑल्सो फेल्स टू मेजर एंटायर इंपैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट विद इन अ गिवन टाइम बेस्ड एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन द इकोनॉमिक एंड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट पोजिशन। तो इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि कंटिन्यूसली एसेट्स, कल जितने लोन दिए थे उससे आज लोन बढ़ जाएंगे, कल जितना पैसा आने वाला था शायद उससे आज कम आएगा, ऐसा रोज चेंज होता रहेगा। तो रोज गैप रिपोर्ट बना पाना बहुत मुश्किल काम है। इट ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू अकाउंट डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ पेमेंट एंड माइट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो एक तो डे पीरियड रोज चेंज हो रहा है, अमाउंट रोज चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स रोज चेंज हो रहे हैं। तो जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा क्या बन जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि कोई बैंक 100% अपने आप को क्या कर कर रखे, सिक्योर कर कर रखे ही, ये संभव नहीं है। खैर, इसके अलावा, गैप के अलावा दूसरा रिस्क है जिसको अपन बोलते हैं बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क का बेसिक है मतलब ये है कि क्या द मैग्नीट्यूड चेंज इन डिफरेंट मैग द रे रिस्क दैट द इंटरेस्ट रेट और डिफरेंट एसेट एंड लाइबिलिटी एंड ऑफ बैलेंस में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स रिस्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि एसेट में भी बेंचमार्क टू फिक्स रेट, लाइबिलिटीज में भी बेंचमार्क टू फ्लोटिंग रेट। तो अगर कोई एक चीज एसेट्स पे अपना फिक्स रेट आने वाला है और लाइबिलिटीज पे अपने को क्या देना पड़ने वाला है, फ्लोटिंग रेट पे करना पड़ने वाला। तो द डिग्री ऑफ बेसिस रिस्क इज फेयरली, तो बेसिस रिस्क दूसरी रिस्क हेडिंग डालेंगे इधर, क्या चीज, गैप रिस्क के बाद दूसरा रिस्क जिसको अपन क्या बोलेंगे, बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क डिफाइन कर देंगे, बेसिक बेसिस रिस्क, द रिस्क दैट इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट, डिफरेंट एसेट लाइबिलिटीज में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो हो सकता है कि अचानक से इस बार पर्सनल लोन बढ़ गए, मतलब एसेट की बात कर रहा हूँ कि बैंक के लिए एसेट क्या है, पर्सनल लोन्स, एडवांसेस, रिसीवेबल्स, ये सब। तो अचानक हो सकता है कि किसी समय होम लोन ज्यादा हो गए, किसी समय पर्सनल लोन ज्यादा हो गए, किसी समय कमर्शियल लोन ज्यादा हो गए। तो इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो हो सकता है कि भाई पर्सनल लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 2% से बढ़ा, होम लोन का इंटरेस्ट 0.2% से ही बढ़ा, क्योंकि होम लोन नेसेसिटी है, पर्सनल लोन लग्जरी है। तो भाई लग्जरी अगर पर्सनल लोन लेने हैं तो RBI ने रेट क्या 2% बढ़ा दिए। और हो सकता है कि क्या होम लोन नेसेसिटी है,
तो उस पर रेट अपन ने कम बढ़ाया, तो अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑन इंटरेस्ट रेट है, उसको क्या बोलते हैं बेसिस रिस्क। ये बात समझ में आ गई क्या? बेसिस रिस्क बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? यस सर, बेसिस रिस्क। तीसरे टाइप की रिस्क इंटरेस्ट से रिलेटेड थर्ड टाइप की रिस्क है, जिसको बोलते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क बेसिक चीज है। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, आ जाओ देखो यहां, बेसिस रिस्क हो गई हमारी, तीसरा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। हाँ जी, कई बार एम्बेडेड ऑप्शन मतलब प्री पेमेंट रिस्क। कई बार अपनी जो सीसीज हैं या डिमांड लोन्स है या टर्म लोन है, उसमें एक ऑप्शन है बंदों को कि वो प्री पेमेंट कर सकते हैं। प्री पेमेंट मतलब समय से पहले पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी एक पर्टिकुलर एसेट पे सोचा था कि ये मेरे को 10 साल तक ब्याज देती रहे, लेकिन जिसको मैंने लेंड किया मनी, उसने 5 साल में ही लौटा दिया, प्री मैच्योर ही लौटा दिया। या फिर कई बार विड्रॉल्स भी, लाइबिलिटीज भी, अपने अपन सोच के बैठे थे कि भैया मेरे पास एफडीज आ रखी है, 50 लाख की या 500 करोड़ की एफडी है, ये एफडी 5 साल तक कोई मांगने नहीं वाला पैसा, इन 5 साल तक मुझे इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन हुआ यूं कि भाई एफडी प्री मैच्योर हो गई। तो प्री मैच्योर, प्री पेमेंट ऑफ क्या चीज, प्री पेमेंट ऑफ एसेट्स या क्रेडिट, सीसीज, टर्म लोन्स, ये प्री रीपे कर दिए कस्टमर ने, मतलब अपने एसेट्स पहले ही क्या हो गए, से कन्वर्ट हो गए काय में, कैश में। या फिर दूसरा चीज, अपने विड्रॉल्स मतलब लाइबिलिटीज जो है वो प्री मैच्योर विड्रॉल हो गए, डिपॉजिट्स क्या हो गए, प्री मैच्योर डिपॉजिट। तो इसके वजह से जो रिस्क आएगी उसको क्या बोलते हैं एम्बेडेड रिस्क। तो एम्बेडेड रिस्क इज ड्यू टू काय के वजह से, प्री पेमेंट ऑफ सीसी ऑब्लिक से क्या, ओडी ऑब्लिक लोन्स और प्री मैच्योर डिपॉजिट्स। मैच्योरिटी से पहले डिपॉजिट अपने को पहले देने पड़ गए, प्री मैच्योर रिपे से विड्रॉल्स ऑफ डिपॉजिट, प्री मैच्योर विड्रॉल्स ऑफ डिपॉजिट, विड्रॉल्स ऑफ डिपॉजिट। इनके वजह से जो रिस्क आएगी कि अचानक एक दिन आके क्या हो गया, एफडी जिसने कर रखी थी वो आके खड़ा हो गया, बोला मेरे को अपनी एफडी ब्रेक करनी है, आज ही ब्रेक करनी है, तो अगेन बैंक के लिए एक्सपोजर, इंस्टेंट एक्सपोजर हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर अपन क्या बोले, प्री पेमेंट सीसी ओडी लोन, वो पहले ही भर दिया आके कस्टमर ने, प्री पेमेंट फोरक्लोज कर लिया, पहले प्री पेमेंट कर दिया, तो अगर होम लोन है, कमर्शियल लोन है, एफडीज है, कार लोन है, ये सब प्री पेमेंट हो गए, तो ऑब्वियस बात है ये मेरा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है। तो कितने रिस्क हो गए अभी तक? तीन टाइप का रिस्क हो गया, गैप, बेसिस रिस्क एंड से एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तीनों चीजें समझ आ गई क्या? तीनों पार्ट समझ आ गए क्या? एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क समझ गया क्या? यस सर। इसके अलावा चौथा रिस्क जिसको बोलेंगे यील्ड कर्व रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क। हाँ जी, तो ये काय के हिसाब से, इकोनॉमी जैसे मूव करेगा वैसे ही आपकी यील्ड, आपका इंटरेस्ट कम या ज्यादा यील्ड होगा, तो दिस इज मूवमेंट ऑफ यील्ड आर रादर इकोनॉमिक मूव। तो ऐसा बोल सकते हैं इट इज चेंज इन यील्ड। यील्ड मतलब अपन ने जहां इन्वेस्ट कर रखा है, अपन मतलब बैंक है, यहाँ पूरे टॉपिक में हम मतलब बैंक है, हमको बहुत ज्यादा ये आदत है कस्टमर रहने की, हम बैंक अपने आप को सोच नहीं पाते हैं। तो अभी यहाँ पर पूरे पूरे इस टॉपिक में हम लोग कौन है, बैंक है, ऐसा मान के चलना। तो चेंज इन यील्ड का रिस्क है, बैंक को क्या रिस्क है, बैंक बोल लो या फाइनेंशियल
रिस्क मान के चलो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मान के चलो, तो चेंज इन यील्ड ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमी, ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमी, मार्केट बूम पर है, मार्केट कायम है, डिप्रेशन में, उस पर डिपेंड करता है कि आपका से क्या चीज यील्ड कर्व रिस्क, कभी यील्ड बढ़ जाएगी कभी यील्ड कम हो जाएगी, तो ये डिपेंड करता है काय पर, पोर्टफोलियो आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, किस टाइप के पोर्टफोलियो, और वो इंडस्ट्री बूम पर है कि वो इंडस्ट्री डिप्रेशन में है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर रखा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वो अभी बूम पे चल रहा है बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी यील्ड क्या रहेगी, यील्ड कर्व अपवर्ड ट्रेंड रहेगा। आपने ऐसी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यील्ड कम रहेगी, तो अगेन यील्ड कर्व रिस्क। इसके अलावा प्राइस रिस्क, पांचवी रिस्क रहती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस रिस्क। व्हेन से क्या से रिस्क ऑफ प्रॉफिट और लॉस व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, तो प्राइस रिस्क अकर्स व्हेन एसेट्स आर सोल्ड बिफोर देयर स्टिपुलेटेड मैच्योरिटीज, एसेट सोल्ड बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी जैसे बॉन्ड है, या आपने बॉन्ड में पढ़ ही रखा है कि मैच्योरिटी कम है तो बॉन्ड का यील्ड ज्यादा है, मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म है तो बॉन्ड में यील्ड इनवर्स रिलेशनशिप रहती है, तो एसेट सोल्ड बिफोर मैच्योरिटी उसको क्या बोलते हैं से प्राइस रिस्क। तो व्हाट इज यहां पर अब कौन सी रिस्क बच गई है, एम्बेडेड हो गई, यील्ड हो गई, यील्ड के बारे में बोल दिया कि रादर देन फ्रीक्वेंट व्हेन इकोनॉमी मूव्स थ्रू बिजनेस साइकल्स, प्राइस रिस्क अकर्स व्हेन एसेट्स आर सोल्ड बिफोर स्टेटेड मैच्योरिटी, तो प्राइस रिस्क इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग बुक विच क्रिएट मूवमेंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है ठीक। उसके अलावा री इन्वेस्टमेंट रिस्क, हाँ जी, अगर अपने को पैसा पहले आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर मैच्योरिटी पैसा आ गया, तो फिर उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो हो सकता है पिछली बार इंटरेस्ट रेट हाई थे तो अब की बार इंटरेस्ट रेट कम है, तो ऑब्वियस बात है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क मीन्स अगर मेरे पास पैसा पहले आ गया है तो वो अपने पास बैंक पड़ा थोड़े रहने देगा, बैंक उसको क्या करेगा नए लोन देगा, तो हो सकते हैं पहले अपन लोन 18% पे दे रहे थे अब 12% पे देना, तो मेरे को वो 18% का लोन तो पहले फोरक्लोज हो गया और नया लोन अब 12% पे देना पड़ रहा है, तो ये जो रिस्क है इसको क्या बोलेंगे री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क अनसर्टेनिटी रिगार्ड, ऐसा बोलेंगे अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ऑन फ्यूचर कैश फ्लोस, फ्यूचर कैश फ्लोस। तो अगर अपन नए जगह जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ऐसा देखा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रेट्स क्या हुए हैं, कम हुए हैं, से लेंडिंग रेट्स कम हुए हैं बराबर। वैसे डिपॉजिट रेट भी बीच में तो बहुत कम हो गए थे, अगर आप देखो कुछ समय पहले कोरोना या कोरोना के तुरंत बाद अगर देखो तो इंटरेस्ट ऑन एफडीज, इंटरेस्ट ऑन एफडीज 4-5% पर बैंक ले आई थी एफडी पे, जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे जो रेट वो इंटरेस्ट दे रहे हैं आज, वही रेट वो लोग एफडीज पर दे रहे थे 4%, 5%, हद हो गई 6%, और हर बैंकर आकर के अपने समझाए चला जा रहा था। अगर आपको याद हो अभी कुछ समय पहले 2 साल पहले कई सारे बैंकर्स आके रोज ही मेरे ऑफिस में बैठे रहते थे, समझाते रहते थे कि नहीं सर अब इंटरेस्ट कभी बढ़ेगा नहीं, तो जो एफडी में पैसा डाला हुआ है वो कोई काम का नहीं, आप शेयर मार्केट में लगा दो, आप काय में लगा दो, गोल्ड बॉन्ड्स में लगा दो, आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, आप क्या हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, हम आपको कम से कम 8-10% का रिटर्न देंगे। और मैं तब भी बोल रहा था कि ये साइक्लिकल है, ये क्या है कोरोना अभी चल रहा है इसीलिए बेटा बैंक का रेट क्या है कम दे रही है एफडी रेट पर, बट विद इन अ ईयर और टू मार्केट की कंडीशन ठीक होगी
एंड मार्केट की कंडीशन ठीक होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक का लेंडिंग रेट बढ़ेगा, लोन्स, और लोग चाहेंगे कोरोना के बाद 2 साल घर में बैठने के बाद बंदा ज्यादा जील से काम करेगा, क्योंकि भैया उसकी सेविंग खत्म हो गई है। तो मैं तब भी कई सारे बैंकर्स को समझा रहा था, नहीं मान रहे थे बट समझा रहा था कि नहीं, एफडी पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा क्योंकि बैंक का लेंडिंग रेट बढ़ेगा। तो बैंक अभी, क्योंकि इकोनॉमी फिर से बूम पर आएगी, से लो डिमांड बढ़ेगी, बैंकर्स क्या करेंगे, से ज्यादा लोन बांटेंगे, लोन बांटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है तो लेंडिंग रेट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली लेंडिंग रेट बढ़ेगा तो एफडी का रेट भी बढ़ेगा। आज देखो फिर से एफडी पर कितने रेट आ गए हैं, 8%, 8.5%, अलग अलग 7%, 7.5%, 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में बैंक दे रहे, कहां 5-6% दे रही थी, कहां अभी फिर से बैंक एफडी पर क्या दे रही है, 7.5 से 8% के आसपास पे कर रही है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का ट्रेंड है भाई। तो अगेन री इन्वेस्टमेंट का रिस्क है कि अनसर्टेनिटी रिगार्ड टू इंटरेस्ट रेट ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर किसी को पता नहीं है, बट उस पर री इन्वेस्टमेंट पर हमको रेट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, उसको अपन री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलेंगे। अब बात तो ठीक है, ये 6 टाइप की रिस्क है, ठीक है, यील्ड कर्व रिस्क है, प्राइस रिस्क है, गैप रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, एम्बेडेड रिस्क है, बेसिस रिस्क है, ऐसी 6 टाइप की आपकी क्या है, रिस्क है, मान लिया हमने। लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो है रिस्क होना एक बात है, इन रिस्क को अपने को क्या भी करना होगा भाई, हाँ, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये मेजर करना बहुत जरूरी है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करना मतलब इन सब फैक्टर्स को कंसीडर कर कर इंटरेस्ट रेट निकालना होगा। तो यहां बोल ही रहा है, IRR मेजरमेंट शुड एड्रेस ऑल मटेरियल सोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात कर रहा है। तो IRR अपने को आदत है काई की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात नहीं कर रहा है। IRR पढ़ के ऐसा मत सोच लेना कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है, IRR का मतलब क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है सर, इस चैप्टर में तो ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर बोल रहा है तो इसको क्या, इंटरेस्ट रेट रिस्क शुड ऑल्सो कंसिडर गैप मिसमैच, बेसिस, एम्बेडेड ऑप्शन, यील्ड कर्व, प्राइस, री इन्वेस्टमेंट, नेट इंटरेस्ट पोजिशन, एक्सपोजर, ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद ही इंटरेस्ट रेट मेजर करना है। तो इन सब बातों को तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ इतने से ही नहीं काम चलेगा। इंटरेस्ट रेट टेक्निक्स जितनी भी हैं, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, तो वो किस चीज को, ड्यूरेशन को भी ध्यान दे, वो गैप एनालिसिस को भी ध्यान दे, वो क्या वैल्यू एट रिस्क को भी ध्यान दे, इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखकर मेजर करेंगे अपन इंटरेस्ट रेट रिस्क। चलो अब इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेजिंग कैसे करें, अगला कंसेप्ट हो गया, थ्योरी खत्म, थ्योरी करीब करीब बात खत्म ही हो गई, हेजिंग की बात है, हेजिंग के अलग अलग तरीके, बट हेजिंग कैसे करेंगे। तो अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर क्या चल रहे थे, कुछ नंबर नंबर डाले थे कि कंसेप्ट ऐसे ही बोले चले जा रहे, चलिए इसको 1 बोल देते हैं, कंसेप्ट 1 बोल देते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को, दूसरा क्या बेंचमार्किंग को कंसेप्ट 2 बोल देते हैं, इसको कंसेप्ट 2 बोल देते हैं बेंचमार्किंग को, तीसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क उसमें क्या क्या रिस्क है ये कंसेप्ट 3 बोल देते हैं, कंसेप्ट 3, तो ये कंसेप्ट 4 आ जाएगा। यस, ये हेजिंग का कंसेप्ट 4 आ जाएगा, हेजिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वैसे हेजिंग 2 तरीके से हो सकती है, एक हेजिंग ट्रेडिशनल मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ हेजिंग मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड है, ठीक। ट्रेडिशनल मेथड में 2 है, एक को एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, ALM, जो कि अपन ने म्यूचुअल फंड्स में पढ़ रखा था, उस तरीके का एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ALM,
एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, और दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। हाँ जी, ये दोनों मेथड कौन से है? ट्रेडिशनल एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट मतलब अपन एक कंपनी को क्या दे देंगे, बैंक एक कंपनी को ये आउटसोर्स कर देगी, ALM कंपनी को, वो आपके रिसीवेबल्स कहाँ कहाँ कौन कौन से डेट में कितना आने वाले और उनके अगेंस्ट लाइबिलिटी कितनी कितनी पे करने पड़ने वाली है, तो वो आपकी सारी रिस्क को मैनेज कर कर दे देंगे। तो एक ट्रेडिशनल मेथड है एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, और दूसरा है फॉरवर्ड रेट। अपन एक रेट कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने को लग रहा है कि इंटरेस्ट क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, 3 महीने बाद मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, आज एक प्रीमियम पे कर दूंगा और किसी एक एजेंट से क्या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लूंगा कि भैया मेरे को ये रेट पे इतने प्रिंसिपल, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट पर इस रेट से मेरे को क्या दे देना, से इंटरेस्ट दे देना, आज प्रीमियम ले ले। जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे को 8% प्रीमियम, किसी को मेरे को 8% इंटरेस्ट रेट देना है, कितना देना है, 8% देना है, 8% अपन नोशनल अमाउंट 100 करोड़ पर 8%, 8 करोड़ का मेरा एक्सपोजर है, 8, मैं बोल देता हूँ भैया आज प्रीमियम ले ले और मुझे आज से 3 महीने बाद 8% पे क्या दे देना, इंटरेस्ट रीपे कर दे। जैसे फॉरेन एक्सचेंज में करते थे ना, 80 रुपए पे मेरे को क्या 3 महीने बाद 80 रुपए पर डॉलर मुझे इतने डॉलर दे देना, एग्जैक्टली वैसा ही कर रहा है, एग्जैक्ट वही का वही कंसेप्ट है कि हमको क्या 8% 3 महीने के बाद अपना एक्सपोजर है, इतना देना एक्सपोजर बराबर। तो 3 महीने के लिए अपन एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेंगे 3 मंथ्स के लिए कि 8% ऑन 100 करोड़ नोशनल अमाउंट, ये नोशनल अमाउंट है जो भी अपने को पे करना पड़ेगा उस पे, वो प्रॉब्लम में दिया रहता है, तो नोशनल अमाउंट पर 8%, 8 करोड़ की लाइबिलिटी है, अपन इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड एग्रीमेंट में एंटर कर जाएंगे और 8% का एजेंट से क्या एंटर कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेंगे। उस दिन अगर इंटरेस्ट रेट 9% रहा तो भी आपको 8% पे वो देगा, क्योंकि वो आप उसको क्या पे कर चुके हैं, प्रीमियम पे कर चुके हैं। तो दिस इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जैसा कि अपन काय में पढ़े थे, फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ रखे हैं, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही 3 मॉडर्न मेथड भी है, एक को बोलेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, आप जानते हैं फ्यूचर में लॉट साइज होता है IRF, IRF इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। दूसरा आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस IRO ऑप्शंस, कि भाई ऑप्शन में इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन बट राइट टू एक्सरसाइज योर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उन्हीं को यहां पर कैप ऑप्शन या हेज ऑप्शंस बोले जाते हैं। तीसरा चीज अपन बोलेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप। स्वैप में आप पढ़ चुके हैं, स्वैप्स का बेसिक मतलब है कि भैया डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ पर ले ले या जो बाइडेन कहाँ पर ले ले, इंटरेस्ट से लाइबिलिटी कहाँ पर ले ले, US में ले ले, और हम लाइबिलिटी कहाँ ले ले, इंडिया में ले ले, अपन उसको यहाँ पे पैसे की जरूरत है, हमको वहां पे पैसे की जरूरत है, तो अपन वो बंदा वहां पे काय में इंटरेस्ट पे करेगा, डॉलर में इंटरेस्ट पे करेगा, हम यहाँ पर काय में रुपी में पे कर देंगे, जो भी एंड में जितना डिफरेंस रहेगा वो अपन क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप। जैसे मान लीजिए शाहीन दुबई में है और पूर्वी इंडिया में है, तो दुबई में दिरहम में शाहीन क्या ले ले, लोन ले ले, दिरहम में इंटरेस्ट का पेमेंट करती रहे, और पूर्वी यहाँ काई में इंटरेस्ट ले लोन ले लें, रुपी में ले लें और यहाँ पर रुपी में पे कर दें, और फिर दोनों क्या कर लें, जो एंड में शाहीन को पैसा इंडिया में चाहिए था, पूर्वी को पैसा दुबई में चाहिए था, तो दुबई में जो एंड में कम या ज्यादा देना होगा उसको अपन क्या कर लेंगे, से एडजस्ट कर लेंगे, प्रॉफिट या लॉस या इंटरेस्ट दे के लेके अपन एडजस्ट कर लेंगे, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। तो इतने टाइप की कौन सी मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और क्या मॉडर्न मेथड्स है। आओ चलो दो दो बातें, इनमें कुछ फॉर्मूले वार्मूले एक आधे में लिखना है तो फॉर्मूले लिख लेंगे, बाकी यहीं से पढ़ लेते हैं और बात खत्म करते हैं। थ्योरी पार्ट इतना ही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो थ्योरी पार्ट क्या, हाँ जी, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, फॉरवर्ड रेट मैनेजमेंट या इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स,
पहला वाला ट्रेडिशनल मेथड में एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, ALM, ALM. तो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट इन एन कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया. तो अपन बार बार मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर में खुद को क्या मान के चलना, बैंक मान के चलना, ठीक है. तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे रिस्क है, आप जानते ही हैं, जैसे मार्केट की रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, इंटरेस्ट रेट की रिस्क है. तो जो नेट इनकम बैंक की है वो बहुत सेंसिटिव है, मतलब इनकम नेट बचेगी नहीं बचेगी. तो इसलिए RBI ने क्या कर रखा है, एक टूल बना रखा है जिसको, या एक से एजेंसी बना रखी है, ऐसा बोल सकते हैं, कि इंडस्ट्री इवॉल्व की है जिसको ALM बोलेंगे. तो ALM क्या करती है, डायनामिक मेजरिंग मॉनिटरिंग मैनेजिंग मार्केट रिस्क ऑफ बैंक. तो ये जनरली ALM सिर्फ कौन सी रिस्क को मैनेज करते हैं, मार्केट रिस्क. जैसे मार्केट रिस्क में सब चीजें आ गई, बोल लीजिए मार्केट रिस्क. तो ALM फंक्शंस, तो लिक्विडिटी, जैसे ये क्या क्या करते हैं, तो ALM लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, फंडिंग एंड कैपिटल प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, ग्रोथ प्रोजेक्शंस, ये सब कौन करता है, ALM. तो 1999 से ALMs इंडिया में आई हैं, और ये आपका कुछ नहीं, कंटिन्यूस मॉनिटर करेगी और आपकी सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटी की रिस्क को कम करती है. तो आपकी मतलब आप कौन हो, बैंक हो. तो इनको हम लोग ALMs बोलते हैं. दूसरा अरेंजमेंट कौन सा है, फॉरवर्ड रेट अरेंजमेंट है. दूसरा अरेंजमेंट या एग्रीमेंट क्या है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है. तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज अंडर विच बोरोअर ऑब्लिक लेंडर प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फॉर अनफेवरेबल चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट. तो कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, अभी अपना लाइबिलिटी 8% पे है, कल 10% पे जा सकती, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है. तो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट में अपन क्या करते हैं, ओवर द काउंटर अपन क्या कर सकते हैं, उसको हेज कर सकते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट से. जैसा कि हमने काई में पढ़ रखा था, से फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ रखा था, फॉलोइंग मेन फीचर्स ऑफ FRA, ये सब पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इनको लिखवा नहीं रहा हूँ. इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला ये जरूर लिख लेंगे, फाइनल सेटलमेंट कैसे करेंगे वो जरूर लिख लेंगे. पहले ही दो क्वेश्चन इसी टॉपिक पर ही है. तो नॉर्मली इट इज यूज बाय बैंक टू फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन एंटिसिपेटेड फ्यूचर डिपॉजिट. तो फ्यूचर डिपॉजिट पे मेरे को इंटरेस्ट 100 करोड़ का, 8% इंटरेस्ट देना है 100 करोड़ पर. तो जनरली जो बैंक को देना रहता है वो बैंक को कौन सा देना रहता है, लाइबोर या माइबोर देना रहता है. बैंक ने किससे लिया है, प्रिंसिपल बैंक से. बैंक्स ने पैसा लिया किससे, प्रिंसिपल बैंक. तो बैंक को जो देना रहता है वो काय पे, लाइबोर माइबोर पे मेजरली, या फिर आपके कस्टमर्स ने FD कर रखा है उस पर, तो उस रेट से देना है. तो इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल, सिर्फ अपनी रिस्क काय की है, इंटरेस्ट की. प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना है अभी, अभी काय का रीपेमेंट करना है, इंटरेस्ट देना है आपने को. तो प्रिंसिपल अमाउंट इज, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको क्या बोलेंगे, नोशनल अमाउंट बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नोशनल अमाउंट. तो नोशनल इट इज सेटल्ड एट मैच्योरिटी इन कैश रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट और लॉस. तो अगर इंटरेस्ट रेट पूरा एक्चुअल सेटलमेंट कभी नहीं होता, आप जानते हैं फॉरवर्ड यहाँ पर भी नहीं होता है, तो यहाँ पर भी अपन फाइनल सेटलमेंट या तो अपन प्रॉफिट ले लेते हैं बैंक से, या प्रॉफिट दे देते हैं बैंक, तो मतलब सॉरी एजेंट को. तो या तो अपने क्या, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 9% की जगह 8%, तो अपन बोलेंगे भैया 8% का अपना कॉन्ट्रैक्ट था, आप मेरे को क्या कर लो, पे कर दो. लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो वो बोलेगा कि भैया 8% 7% हो गया, तो बोलेगा 8% का अपना कॉन्ट्रैक्ट था, आप मुझे पे कर दो. तो प्रॉफिट या लॉस लेकर के अपन सेटल कर देते हैं यहाँ पर जनरली. तो इट इज सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट और लॉस पे सेटल कर देते हैं. द बैंक देन सेल्स द FRA, एग्रीज टू पे द बायर द इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इफ रेफरेंस रेट ऑफ सर स्पेसिफाइड मैच्योरिटीज अबव स्टिपुलेटेड फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी और सेटलमेंट. कॉन्वर्सली द बायर एग्रीज टू पे द सेलर एनी डिक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट इफ रेफरेंस रेट फॉल बिलो द फॉरवर्ड रेट. तो ऑब्वियस सी बात है, या तो बैंक को पे करना होगा एजेंट को, या एजेंट को पे करना होगा बैंक को फाइनल सेटलमेंट. और सेटलमेंट कैसे होता, प्रॉफिट या लॉस देकर. लॉस है
तो भैया वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो वो आपको दे देगा, पे कर देगा, वो देख लेंगे, अभी क्वेश्चन में देख लेंगे कब किसको पे करना है, वो क्वेश्चन में देख लेंगे। खैर, तो फाइनल सेटलमेंट कैसे करते हैं, तो फाइनल सेटलमेंट नोशनल अमाउंट इंटू रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट इंटू डेट टू मैच्योरिटी अपॉन डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेफरेंस रेट इंटू डेट टू मैच्योरिटी अपॉन डेज इन ईयर। तो अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो बस, सेटलमेंट अमाउंट निकालते कैसे हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में सेटलमेंट अमाउंट निकालते कैसे हैं, एक फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, सेटलमेंट अमाउंट अमाउंट इज इक्वल टू नोशनल रेट इंटू रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय डेट टू मैच्योरिटी अपॉन डेज इन ईयर अपॉन 1 प्लस डेट टू मैच्योरिटी अपॉन डेज इन ईयर। ऐसा कर दो, फॉर्मूला लिख दो ऐसा। खैर, ये तो अपन उन्होंने फॉर्मूला नहीं भी दिया, हाँ, इनटू आरआर, ये आरआर रेफरेंस रेट को मल्टीप्लाई कर, फॉर्मूला नहीं भी दिया तो अभी प्रॉब्लम में वैसे भी अपन लॉजिकली समझते हैं, तो 1 प्लस आरआर इनटू डेट टू मैच्योरिटी अपॉन डेज इन ईयर बराबर पूरी, यस। तो यहाँ एन का मतलब क्या है, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा एन का मतलब से, दूसरा आरआर का मतलब रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट, एफआर का मतलब फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट, और डीटीएम का मतलब डेट टू मैच्योरिटी, डेज टू मैच्योरिटी, डेज टू मैच्योरिटी, कितने दिन बचे हैं मैच्योरिटी के लिए, और डी वाई का मतलब डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर, ईयर में कितने दिन, 360, 365, 365 या 360 एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ गया क्या। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो, एक एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज ये रहा एग्जाम्पल, यही समझ लो ये डेज में ही होता है, नहीं कभी मंथ में भी रहेगा, कभी क्वार्टर में भी रहेगा, कभी इयर्स में भी रहेगा, ऐसा नहीं है, बट जनरली डेज में रहता है, जनरली डेज में रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अपन ऐसा 6 महीने से ऊपर का कोई आपको क्या नहीं देगा, से फॉरवर्ड रेट नहीं देगा, जो लॉजिक अपने फॉरेन एक्सचेंज और बाकी डेरिवेटिव्स में एप्लीकेबल थे वही लॉजिक इस चैप्टर के लिए भी एप्लीकेबल है, सिंपल सी बात ही है। तो वहां पे भी 6 महीने या साल भर से ऊपर का आपको कोई क्या नहीं देता था, सिर्फ फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट देगा नहीं, तो यहाँ पर भी कोई नहीं देगा। सपोज देर आर टू बैंक्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ स्पेसिफाइंग अ फॉरवर्ड रेट ऑफ 5% ऑन अ यूरो डॉलर डिपॉजिट विद अ 3 मंथ मैच्योरिटी, तो 3 महीने का मैच्योरिटी दे रखा है, 5% फॉरवर्ड रेट दे रखा है, फॉरवर्ड रेट 5% ऑन यूरो डॉलर, नोशनल अमाउंट कितना मान के चलना है, 1 मिलियन यूरोस, 1 मिलियन यूरो एंड ऑन सेटलमेंट इन 1 मंथ, एंड सेटलमेंट कब करना है, 1 मंथ में कर, सच एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज 1/4 FRA बिकॉज इट फिक्सेस द इंटरेस्ट रेट बिफोर डिपॉजिट टू प्लेस्ड आफ्टर 1 मंथ एंड मैच्योरिटी 4 मंथ आफ्टर द डेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज निगोशिएटेड। तो ऐसे एग्रीमेंट को कई बार प्रॉब्लम में किस तरीके से लिखा रहेगा, बोलता है 1/4 फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, 1/4 क्यों बोल रहा है, इट फिक्सेस इंटरेस्ट रेट फॉर डिपॉजिट, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट टू बी प्लेस्ड आफ्टर 1 मंथ, तो 1 महीने के बाद अपना क्या डिपॉजिट आएगा, और मैच्योरिंग कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद, मतलब 1/4। तो जब ऐसा बोला वो प्रॉब्लम में 1/4 FRA, तो इसका मतलब ये समझना कि 1 मंथ आफ्टर डिपॉजिट मिलेगा डिपॉजिट, और वो कितने महीने के लिए, मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ, मैच्योरिटी 3 मंथ, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ वैसा भी सोच सकते हैं, यस सर, कि अपने को डिपॉजिट 1 महीना बाद मिलने वाला है और वो कितने महीने के लिए मिलेगा, 3 महीने, 3 महीने के मैच्योरिटी के लिए, यस सर,
तो कॉन्ट्रैक्ट इज निगोशिएटेड। अब देखो, इफ 3 month LIBOR इज 6% ऑन कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट डेट, द सेलर वुड ओ द बायर द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 5% ऑन 1 million फॉर 90 डेज। तो अपने को ऐसा निकालना पड़ेगा, मेरा कौन सा रेफरेंस रेट कितना है, 6% LIBOR, बराबर मेरा फॉरवर्ड रेट क्या है, 5%। तो मेरे को 6 माइनस 5 इंटू 1 million डॉलर इंटू 90 डिवाइडेड बाई 360 ऐसा करना पड़ेगा। तो 1 basis point इन द इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन $1, 90 डेज मैच्योरिटी इज 25, सो ऑन 100 basis point 2,500। फालतू बात है, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को, ऐसा कि 1 million, 1 million मतलब 10 लाख इंटू कितना, रेफरेंस रेट 6% माइनस 5% इंटू 90 अपॉन 360 होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेफरेंस रेट 6% इंटू 90 अपॉन 360 ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन 10 लाख पे 1%, 10 लाख इंटू 1%, ये हो गए 10,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360, तो ये हो गए मेरे 2,500। 2,500 को आप क्या कर दो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, $2,500 या यूरोस जो भी है, दिए यूरो दिए डॉलर का को लिख दिया, यूरोस बोल रहा है, अच्छा डॉलर 1 मिलियन ही बोला था, ठीक है तो $1 million, तो मल्टीप्लाइड ये आ गए मेरे ऊपर न्यूमरेटर आ गया $2,500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेफरेंस रेट इंटू 90 डिवाइड बाय 360, 6% इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360 तो 1.5%, ठीक है तो 1 प्लस 1.5% से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब 1.015 से डिवाइड कर दो, तो 2,500 डिवाइडेड बाय 1.015 तो ये आ गया 2463.05, 2463.05 जो कि इंस्टीट्यूट का भी आंसर, 2463.05। तो वो इंस्टीट्यूट का तरीका, अपन ने सीधा फॉर्मूला पुट किया, 10 लाख इंटू रेफरेंस रेट माइनस क्या वो फालतू की बातें एक इसमें निकाल देता, 10 लाख इंटू 6% माइनस 5% इंटू 90 डेज अपॉन 360 होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6% इंटू 90 डिवाइड बाय 360। समझ गया क्या, ये वाला पार्ट समझ गया क्या सबको, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप लिखना चाहो तो ये शॉर्ट में ये वाला तरीका लिख देंगे। यस सर, मस्त समझा सर। तो अगर ये समझ गया, बस वो फॉर्मूला पुट किया और कैलकुलेट कर दिए, लिख दिए हैं तो बहुत बढ़िया। मॉडर्न मेथड्स में आ जाओ, मॉडर्न मेथड में पहला मेथड है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। अब देखो इंस्टीट्यूट भी कहां से उठा रहा है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, काय में यूट्यूब पर एक पूरी सीरीज है इन्वेस्टोपीडिया, जैसे विकिपीडिया होता है वैसा ही इन्वेस्टोपीडिया, तो वहां से डेफिनेशन यूट्यूब पर इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन इंस्टीट्यूट उठा रहा है, हद है यार, मतलब हद है, ठीक है भाई, इसके इससे तो बेहतर मनोज शर्मा की डेफिनेशन उठा लेता, जाने दो। हाँ जी, मॉडर्न मेथड, तो एज पर इन्वेस्टोपीडिया एन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आप जानते ही है, विद अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट दैट पेज इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट बीइंग है बेयरिंग एसेट, एक तरीके से उसी को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बेयरिंग है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक बात है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देखो और बात समझ, कुछ दे भी रखा है एग्जाम्पल की ऐसे ही, अच्छा फॉर एग्जाम्पल बोरोवर फेसेस अ रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग, तो आपका एक बोरोवर है उसको लग रहा है, मतलब आप बोरोवर है अभी तो आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा, तो आप क्या करते हो, फ्यूचर्स यूजेस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस ऑफ हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट, तो द बोरोवर विल एंटर इन टू अ फ्यूचर टूडे, द इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर, द वैल्यू ऑफ फ्यूचर फॉल्स will fall and hence the profit can be made when closing out the future. So in short ऐसा बोल सकते हैं, अगर interest rate बढ़ते हैं तो bond की price गिरती है, क्योंकि आप उसका present value calculate करते हैं और present value में discounting करते हैं, ऐसा अपन ने पिछले chapter में पढ़ रखा है,
तो पिछले चैप्टर को पढ़े बगैर अगर इंटरेस्ट रेट पढ़ लेते तो मर जाते हम लोग तो, है ना। ये क्या बोलना चाह रहा है, क्यों बोलना चाह रहा है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के बगैर अगर अपन क्या पढ़ लेते, इंटरेस्ट रेट पढ़ लेते तो अपन मर जाते। खैर, तो इंस्टीट्यूट को एक नया सीक्वेंस बनाने की जरूरत है। जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बात समझ में आसानी से आती है। खैर, तो द बोरोवर विल एंटर इंटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी। बॉन्ड की प्राइस कम हो गई, हाँ आप समझाओ, मैं तो कुछ भी समझाऊं, इंस्टीट्यूट बोलता है सिर्फ एक ही, अपन मेल लिखो, इंस्टीट्यूट का आंसर आता है कि यस वी विल कंसिडर योर वैल्यूएबल ऑफ से क्या सजेशन, बस बात खत्म। हाँ, टीचर्स के ओपिनियन नहीं लेते, वो कुछ नहीं लेते, वो सब अपने आप को, इंस्टीट्यूट अपने आप को ही महान समझता है, मैं महान बोल क्या रहा हूँ, है ना। लेते हैं बिफोर मेकिंग, वो चंद वो सिर्फ खाना पूर्ति है, दो चार लोग एक मीटिंग में क्या ही बता पाएंगे। चैप्टर वाइज डिटेल में अगर क्या लेंगे से सजेशंस लेंगे तो शायद इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक मीटिंग दो मीटिंग में बुला लिए, चार प्रोफेसर्स को बोल दिए क्या क्या करो, उनको रैंडमली जो बातें याद आ गई उन्होंने बोल दी, इन्होंने लिख ली, पता नहीं इनकॉर्पोरेट की भी कि नहीं की, ये वाला तरीका है। खैर, एनीवे, करंटली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेगमेंट ऑफ एनएसई ऑफर टू इंस्ट्रूमेंट, एक फ्यूचर्स ऑन 6 ईयर एंड 10 ईयर एंड 13 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, 91 डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। तो एक तो दे रहा है 6 ईयर, 10 ईयर एंड 13 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड 91 डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। खैर वो जान दो, जो अपने को दो तरीके के फ्यूचर मार्केट में मिल रहा है। फ्यूचर में आप जानते हैं पूरा अमाउंट अपने को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती, अपन सिर्फ मार्किंग टू मार्केट करते हैं, 20% भी इन्वेस्ट कर दो तो काम चल जाता है। अपन ने पढ़ रखा है, पढ़ा है कैसा मार्किंग टू मार्केट पढ़ रखा है क्या, तो या तो इंटरेस्ट रेट डेली बेसिस पे सेटलमेंट करेंगे, आज इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपसे मांग लेगा, आज इंटरेस्ट कम हो गया तो आपको पे कर देगा, तो मांग लेगा पे कर देगा, मांग लेगा पे कर देगा, वैसा चलता रहेगा। एक क्वेश्चन किया था आपको याद होगा, बराबर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से उसमें क्या निकाला था, ऐसा कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से अपना मेंटेनेंस मार्जिन निकाली थी, मेंटेनेंस मार्जिन कितनी रखनी है वो निकाली थी हमने, और फिर मेंटेनेंस मार्जिन में फिर कम या ज्यादा प्रॉफिट होता था तो अपन क्या करते थे, जो मार्जिन में जुड़ जाता था, और लॉस होता था इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन, ऐसी दो मार्जिन निकाली थी, याद आ रहा है क्या। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ चैप्टर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव में इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन, ऐसा किया था क्या। यस सर, याद आ रहा है सर। एक तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि फिजिकल डिलीवरी विच हैपेंस ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ, तो फर्दर आईआरएफ सेटलमेंट इज डन इन टू लेवल्स, एक तो डे टू डे बेसिस पे इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे और दूसरा अपन क्या करेंगे ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी फिजिकल डिलीवरी कर देंगे। तो फाइनल सेटलमेंट कैन हैपन ओनली ऑन एक्सपायरी डेट, फ्यूचर्स को आप जानते हैं फाइनल कब, ऑन एक्सपायरी डेट। यूरोपियन ऑफर, यूरोपियन ऑफर दो तरीके का रहता है, वैसे अपन ने ये भी पढ़ रखा है, एक अमेरिकन ऑफर भी पढ़ रखा है, एक यूरोपियन ऑफर भी। अमेरिकन बिफोर मैच्योरिटी डेट आप कभी भी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूरोपियन ऑफर में आपको क्या करना होता है, ऑन मैच्योरिटी डेट ही एक्सपायरी होती है। पढ़ाई कैसा, यस और नो, यस सर। अच्छा, ये फ्यूचर्स में दो चीजें हैं, तो एक फॉर्मूला तो ये लिख लो, कन्वर्शन फैक्टर जनरली प्रॉब्लम में दिया रहेगा, तो कन्वर्शन फैक्टर इनटू फ्यूचर प्राइस इक्वल टू एक्चुअल डिलीवरी प्राइस, तो एक्चुअल डिलीवरी प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर्स, हेडिंग डाल के फॉर्मूला लिख दो यहाँ, फ्यूचर्स में हेडिंग डालो फ्यूचर्स में, हाँ जी, तो यहां पर अपन फ्यूचर्स में फॉर्मूला लिख देंगे, कन्वर्शन फैक्टर इनटू नंबर वन, एक फॉर्मूला कन्वर्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्या, फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू क्या, एक्चुअल डिलीवरी प्राइस, एक्चुअल डिलीवरी प्राइस, कन्वर्शन फैक्टर इनटू फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल डिलीवरी प्राइस।
लिखा? यस सर। दूसरा फॉर्मूला एक और लिख लो यहां पर, सीटीडी, चीपेस्ट टू डिलीवरी, चीपेस्ट टू डिलीवरी, सीटीडी मिनिमम डिफरेंस बिटवीन कोटेड प्राइस, इट इज डिफरेंस बिटवीन कोटेड प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस एंड एडजस्टेड फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस, बराबर, या उसी को बोल सकते हैं एक्चुअल डिलीवरी प्राइस, एक्चुअल डिलीवरी प्राइस, एडी, ये ऊपर जो निकाला। तो इन अदर वर्ड्स, अगर अपन ऐसा बोलें, प्रॉफिट टू सेलर ऑफ फ्यूचर इज इक्वल टू, प्रॉफिट कब होगा उसको, तो प्रॉफिट तब होगा जब एक्चुअल डिलीवरी प्राइस काय से कोटेड प्राइस से ज्यादा होगी। तो एक्चुअल डिलीवरी प्राइस मतलब ही फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस, ऊपर निकाला ही है, फ्यूचर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्शन फैक्टर, जिसको अपन एक्चुअल डिलीवरी प्राइस माइनस कोटेड प्राइस, कोटेड प्राइस कम है, और फ्यूचर प्राइस इनटू कन्वर्शन फैक्टर जिसको एसीडी, एक्चुअल डिलीवरी प्राइस भी बोला अपन ने, तो एक्चुअल डिलीवरी प्राइस अगर ज्यादा है और कोटेड प्राइस कम है तो प्रॉफिट हुआ है सेलर को, मतलब ऑब्वियस बात है। और दूसरा चीज, लॉस टू सेलर, लॉस टू सेलर ऑफ फ्यूचर कब होगा, लॉस टू सेलर कोटेड प्राइस ज्यादा है और फ्यूचर प्राइस इनटू कन्वर्शन फैक्टर कम है, तो कोटेड स्पॉट प्राइस है, ये कौन सी प्राइस है, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्शन फैक्टर, तो उल्टा अगर करोगे तो ये लॉस है। बस इतना फॉर्मूले लिख के रख लो फ्यूचर्स में, जब कोटेड स्पॉट प्राइस ज्यादा है और फ्यूचर प्राइस इनटू कन्वर्शन फैक्टर कम है तो लॉस टू द सेलर है, और प्रॉफिट टू द सेलर तब है जब फ्यूचर प्राइस इनटू कन्वर्शन फैक्टर ज्यादा है और कोटेड स्पॉट रेट प्राइस कम है। ये फॉर्मूले लिख लो, अभी प्रॉब्लम में समझ जाएंगे। लिख दिया क्या? यस सर। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, ऑप्शंस पर बात करते हैं, आ जाओ, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के बाद इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, तीसरा आईआरओ, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, जैसा फॉरेन एक्सचेंज में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन रहता था वैसा ही यहाँ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में कैप ऑप्शन और क्या चीज, आपका फ्लोर ऑप्शन रहता है, मतलब कैप ऑप्शन इज नथिंग बट कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ रहे हैं, कॉल ऑप्शन, तो कैप ऑप्शन को ही क्या बोला जा सकता है, कॉल ऑप्शन, द इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉल ऑप्शन, लिखाइए, द बायर ऑफ इंटरेस्ट रेट कैप पेज द सेलर अ प्रीमियम, ऑब्वियस बात, ऑप्शन लेने के लिए आपको प्रीमियम देना होगा, और इन रिटर्न ही हैज अ राइट टू रिसीव द डिफरेंस इन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन सम नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट एट एनी टाइम स्पेसिफाइड इंटरेस्ट और मार्केट इंटरेस्ट राइजेस अबाउट स्टिपुलेटेड कैप रेट। तो अगर कल को इंटरेस्ट रेट 10% हो जाते हैं और अपना फॉरवर्ड एक्सरसाइज इंटरेस्ट रेट 8% है, एक्सरसाइज प्राइस 8% है, तो मार्केट में 10 है तो अपन अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, राइट टू बाय से एक्सरसाइज करेंगे, हम बोलेंगे कि भैया हमको 8% पे आप पैसा दे दो, 8% पे पैसा दे दो, बराबर, तो 8% पे पैसा, तो इसको बोलेंगे ऑप्शन, आईटीएम, आईटीएम इन द मनी, ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। अगर मार्केट रेट मान लीजिए 6% हो गया इंटरेस्ट है और अपनी बात हो रखी है 8% पे, तो अपन प्रीमियम का नुकसान होने देंगे, अपन क्या, आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, ओटीएम सिचुएशन, आउट ऑफ द मनी,
हम लोग क्या कर देंगे, लैप्स होने देंगे। बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? कॉल ऑप्शन समझ गया क्या? कॉल ऑप्शन समझ गया क्या? यस सर। तो आईआरओ कितने तरीके के? दो, कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन। कैप मतलब कॉल, इसमें ऐसा लिख लो, ये आईआरओ जो ऊपर लिखा है, सॉरी यहाँ पर सेम ही है, हाँ सेम ही है, वो सेम ही है। तो यहाँ सिर्फ बोलने का बात अलग है। कैप ऑप्शन मतलब ही इसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, और फ्लोर ऑप्शन मतलब ही कौन सा पुट ऑप्शन है, मतलब ही कौन सा पुट ऑप्शन है। तो यहाँ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जहाँ ऊपर हेडिंग डाले थे, वहां पर अपन क्या कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन देख लेंगे। चलो कैप ऑप्शन का एक एग्जाम्पल देखो फट से, कैप ऑप्शन का एक एग्जाम्पल देखो, कैप ऑप्शन का एग्जाम्पल देखो। ये रहा एग्जाम्पल कैप ऑप्शन। तो कल अपना प्रैक्टिकल खत्म हो जाता, मजा आ जाएगा, फिर अपन सिर्फ थ्योरी पर बात करेंगे। एग्जाम्पल, कंसिडर अ वन ईयर इंटरेस्ट रेट कैप दैट स्पेसिफाइज अ नोशनल प्रिंसिपल। वन ईयर का इंटरेस्ट रेट कैप है, वन ईयर का मतलब एक साल का आपको कॉल ऑप्शन ले रखा, ऑन नोशनल प्रिंसिपल ऑफ 1 मिलियन एंड 6 मंथ लाइबोर कैप रेट इज 5%। तो 6 महीने का लाइबोर कैप रेट क्या है, रेफरेंस रेट क्या है, 5%। अज्यूम दैट द एग्रीमेंट कवर्स द पीरियड ऑफ स्टार्टिंग January 15 थ्रू द फॉलोइंग January 15। तो मतलब इस January 15 से अगले January 15 तक का अपना क्या है, से कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कैप कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, साल भर का। अज्यूमिंग दैट द एग्रीमेंट कवर्स द पीरियड ऑफ January 15 टू फॉलोइंग January 15 विद द इंटरेस्ट रेट टू बी रीसेट ऑन July 15। मतलब एक बार इंटरेस्ट कब रीसेट, क्योंकि साल भर का है तो 6 महीने बाद, जनवरी से जुलाई 6 मंथ का लाइबोर दिए रखा था ना 5%, तो January 15 से हम लोग July 15 को रीसेट करेंगे, और फिर July 15 से अगला January 15, मतलब दो पीरियड आएंगे। कितने पीरियड आएंगे? दो पीरियड आएंगे, ठीक है सर। तो मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं 365 डिवाइड बाई टू 184 डेज बोल रहा है वो, ठीक है अपन 184 डेज ले लेंगे। January 15 से July 15 एग्जैक्टली कैलकुलेट किया होगा उसने, तो 184 डेज आते हैं। The first period of the cap agreement typically is excluded from the agreement as it is known as the date of, on the date of agreement, and hence the cap buyer will entitled to payment only if the 6 month LIBOR exceeds 5% on the July 15 interest rate reset. Suppose the 6 month LIBOR is 5.5% on July 15, then the following January 15, 184 days from July 15, the seller will owe the buyer कितना भाई, 1 lakh या 10 lakh million पर reference rate वही 5.5% minus कितना, minus 5% into 184 days upon 360, 184 upon 360 360 दिन का कितना, तो 10 लाख पे 5.5% 184 दिन के लिए, 0.5 × 10 lakh डिवाइडेड बाय 100, तो 5000 इंटू 184 डिवाइड बाय 360, तो 2555। प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला है, एक्चुअल वैल्यू किया है सर, और कुछ नहीं किया है। फॉर्मूला वो का वही है जो अपन ने काई में कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, जब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे थे फॉरवर्ड। सिर्फ फर्क इतना है, फॉरवर्ड में हमने क्या ले लिया था, प्रेजेंट वैल्यू, अभी अपन ने क्या नहीं लिया, प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिया, बाकी तो वो का वही चीज कर रखा है। ये चीज समझ गई क्या? 10 लाख इंटू से रेफरेंस रेट माइनस क्या चीज, 5% लाइबोर है। सर आप SFM में प्रीवियस अटेम्प्ट RTP MTP भी करवा देंगे, करवा देंगे ना, करवाएंगे RTP MTP तो करवा देंगे इस अटेम्प्ट की पहले, और पास्ट पेपर्स 1, 2, 3, 4 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा वाला चीज हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, से कॉल ऑप्शन हो गया, कॉल ऑप्शन। ऐसे ही फ्लोर ऑप्शन, OTC इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्ट द बायर और फ्लो फ्रॉम लॉस अराइजिंग फ्रॉम डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो फ्लोर ऑप्शन डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट,
कल को इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अपन ने पुट ऑप्शन, ये इट इज सिमिलर टू पुट ऑप्शन, ये काय का है, पुट ऑप्शन है। तो अगेन एक स्ट्राइक रेट डिसाइडेड है, उस रेट से अगर नीचे आपका क्या हो जाता है, से इंटरेस्ट रेट हो जाता है, तो अपन क्या पुट ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं। तो बात वो का वही है जो अपन ने काय में पढ़ रखा है, से फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ रखा है, इस पे सीधे प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो ये हो गया इंटरेस्ट रेट। हाँ जी, तीसरा चीज है इंटरेस्ट रेट कॉलर्स। कॉलर ये कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैप एंड पुट, इसको अपन इतना ही समझे अभी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैप एंड पुट ऑप्शन, दिस इज नथिंग बट कॉलर्स। बोला मतलब दोनों का मिक्स है, कि आपको से दोनों का ले लिया, मतलब दोनों दे रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर गया तो भैया आपको कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट इससे नीचे गया तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहां पर अपन ने दोनों ही परचेसिंग, द कॉलर हैज इफेक्ट ऑफ लॉकिंग इट्स परचेस इनटू फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट एंड बाउंडेड बाय बोथ हाई साइड एंड लो साइड। तो अपन दोनों रेट को क्या कर सकते हैं, यहाँ लॉक कर सकते हैं कि भैया मेरे को इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर मान लीजिए 6% से ऊपर गया और 4% से नीचे गया, तो मैंने ऐसा यहाँ पे इसके लिए मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया, इसके लिए मैंने पुट ऑप्शन ले लिया। स्ट्राइक प्राइस सपोज 5% है, तो मेरे को अगर 6% चला गया तो मैं क्या कर दूंगा भाई, 5% से आपसे ले लूंगा, और अगर 4% गया तो 5% में आपको बेच दूंगा, तो उसको बोलते हैं कॉलर ऑप्शन। बात समझ में आ गई क्या, इंटरेस्ट रेट कॉलर्स क्या होते हैं, आया ना? यस सर। अच्छा, आज का आपको होमवर्क है, सिर्फ एक पन्ना पढ़कर आने के लिए बोल रहा हूं, इंटरेस्ट रेट स्वैप, इतना सिर्फ भर आप क्या कर कर आएंगे, पढ़कर आएंगे होमवर्क, और कल अपन क्या कंप्लीट कर देंगे ये वाला चैप्टर कंप्लीट। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, हाँ आज की क्लास 7:30 तक की, कल भी 7:30 बजे खत्म कर देंगे, वो मैंने इवनिंग की क्लास, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, से ये चल रहा है ना आपके ऑडिट टाइम चल रहा है यार, तो ऑडिट का समय चल रहा है, 3-4 दिन ही बचे हैं, तो इवनिंग फ्री चाहिए जरा, क्योंकि फिर वो क्लाइंट के साथ बैठ गए तो फिर वो रात तक चलता रहता, तो इवनिंग फ्री चाहिए, इसीलिए उनको भी मॉर्निंग में और आपका भी, ठीक है? तो वो क्लाइंट्स के साथ फिर डिस्कशन क्या है, एंड वो एंड नहीं हो पाता, और फिर इधर क्लास का तलवार टंगती रहती है। तो आपको सिर्फ इतना डेढ़ पन्ना पढ़कर आने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, एक पन्ना ये काय का, डेढ़ या दो पन्ने इंटरेस्ट रेट स्वैप 12.13 से लेकर, हाँ जी आओ, विशिंग यू हैप्पी हैप्पी ऑडिट सेशन, हैप्पी ऑडिट सेशन, बाप रे बाप, एकदम हैप्पी ऑडिट सेशन, ठीक है भाई, तो थैंक यू पूर्वी फॉर हैप्पी ऑडिट सेशन, है ना, हैप्पी वैप्पी कुछ नहीं रहता, ये सब फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड रहता, त्रस्त रहता है आदमी, ठीक। तो चलो आज की ये वाली क्लास अपन यही खत्म करते हैं, और यहाँ से आगे बात कब करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, मतलब कल, टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ फॉर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए लास्ट डे है कल का, तो कल प्रैक्टिकल पार्ट लास्ट डे है भाई, कल का खत्म कर देंगे, ओके सर, ठीक है, फिर जो बच जाती है थेरी बच जाती है, मस्त रहा सर, ओके बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, डेली मजे थे हाँ।